हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनबॉक्सिंग द ट्रेंड। सो आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग ऑफ आईपी नेपच्यून वीएक्स डिशवॉशर की। इसे मैंने रिसेंटली ख़रीदा था और आज की वीडियो में हम करेंगे इसका अनबॉक्सिंग, इसको हम कराएंगे इंस्टॉल और लास्ट में बताऊंगी इसका रिव्यू। सो दिस इज़ हाउ द डिशवॉशर लुक्स, दिस इज़ रियली गुड गाइज। सो इसको मैंने मंगाया था आईपी पॉइंट से और ये है कैपेसिटी 12 प्लेट सेटिंग की और साथ ही आता है 2 साल की वारंटी के साथ। इसको मैंने लिया था अराउंड 37,000 का और इसका MRP है ऑलमोस्ट 40,000। सो एक बार आपके घर में डिशवॉशर आ जाता है उसके बाद यू हैव टू कॉल इन कस्टमर केयर। कस्टमर केयर से ऑटोमेटिकली इंजीनियर आपके घर पे आएंगे विद इन 2-3 डेज एंड ये ही आपका डिशवॉशर इंस्टॉल करेंगे। आपको खुद से इंस्टॉल नहीं करना है इसको। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ये कितना एनर्जी कंज्यूम करता है। सो ये लेता है, एक यूनिट लेता है ये पर वॉश पे अराउंड 5 रुपीज़ पर वॉश एंड इसका जो वाटर कंजप्शन है वो है 10 लीटर पर वॉश। तो ये बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेती और इसमें 15 एम्पियर का प्लग लगेगा। सो बिकॉज मेरा किचन मॉड्यूलर किचन नहीं है सो मैं इसे अलग से रखवाने वाली हूँ और अलग से रखने के लिए मुझे एक एडिशनल पाइप लगवानी पड़ेगी इनलेट एंड आउटलेट की और इसका मुझे एडिशनल कॉस्ट लगा था अराउंड 900। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको ये टैप खुद से ख़रीदना है और ये इंजीनियर्स आके नहीं लगाएंगे, आपको इसे पहले से प्लम्बर से लगवाना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि जब इंजीनियर आए तो उससे पहले आपका टैप लगा हो। जो रेगुलर टैप है वो नहीं चलेंगे, आपको ये 500 का अलग से एक टैप लेना पड़ेगा। और डिशवॉशर के अंदर 3 चीज़ें लगती हैं आपके बर्तन धुलने के लिए, दैट इज़ सॉल्ट, रिंसेट एंड डिटर्जेंट। आप नॉर्मल जो विम आता है प्लीज़ वो मत यूज़ कीजिएगा, अपना नॉर्मल सॉल्ट मत यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको ये तीनों चीज़ें यूज़ नहीं करनी है आप टैबलेट्स भी खरीद सकते हैं, टैबलेट में ये तीनों चीज़ें होती हैं। सो सब कुछ लगाने के बाद इंजीनियर आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाएंगे, सो लिसन टू हिम वेरी वेरी केयरफुली। यहाँ पे आप जो बॉटल रहेगी लिक्विड की, ठीक है, एक बॉटल है ना उसमें कितना आ जाए, ठीक है, ठीक है, ऊपर तक आ जाए, उसके बाद इसको ये भी ऑलमोस्ट पूरी बॉटल गई। फिर कितना दिन चलता है ये? 40 वॉट्स के आसपास चलता है मैडम, मतलब एक महीना। हाँ, ये रोज डालना है? हाँ, ये रोज डालना है। अगर हाफ है तो नीचे तक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, फुल है तो यहाँ तक, फिर बर्तन पे डिपेंड करेगा। और अगर आपको ये तीनों चीज अलग अलग नहीं खरीदनी है सो आप एक टैबलेट खरीद सकते हैं जो कि पैक ऑफ 30 आता है आईएफबी का। और ये क्या चीज खुलेगा? अच्छा, इसमें सॉल्ट डालेगा, पूरा डाल देना है। हाँ, ठीक है, 1.5 डब्बे के आसपास जाएगा आपका ऑल एंड आउट, ठीक है, पहले भर देना, उसके बाद एक छोटा सा बाउल ले लेना, पानी उसके ऊपर से डाल देना। पानी चली जाएगी पानी से। ये बना जिससे हमें ड्रेनेज करना है तो खोल देना है सर, ठीक है, फिर इसको वॉश कर देना है, बस, ठीक है, और फिर से करके लॉक कर देना, ये लॉक हो जाएगा। ओके, और पानी वानी नीचे से ही आता है ऊपर से? हां, वो सब नीचे से ही आएगा उसका, बस यहां पे डीसी से रहेगी, ठीक है, अगर ज्यादा है आपके पास तो इसको खड़े कर दीजिए, ठीक है, अगर कम है तो इसको डाउन कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप बाउल वगैरह जो भी कुछ है आपका उल्टा रखना है, तपीला वगैरह, ठीक है, उल्टा रखना है, एक के ऊपर एक नहीं रखना है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है, इसको ऐसा कर देना उस टाइम पे अंदर डाल दो, उसके बाद इसको हल्के हाथ से घुमा दो, कोई चीज नीचे टकरा नहीं रही ना वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो चीज है, हाँ, ये हाइट कम हो गई, ऊपर की बढ़ गई आपकी, नीचे कम हो गया। अच्छा, दो है क्या इसमें यहाँ पर? हाँ, अच्छा, एक ऐसे अगर इसको बढ़ाना है, इस थोड़ी बड़ी है तो आप कर दो, ये बड़ा हो जाएगा, नीचे स्पेस आपको ज्यादा लगेगा। अगर आपको चम्मच वगैरह ज्यादा नहीं है तो आप इसको निकाल सकते, ठीक है। और ये जो चीज है ना, इतना यहाँ पे कोई चीज नहीं रखनी है इतने पोर्शन के अंदर। अच्छा, रीजन क्या उसके पीछे? इसमें जब पानी फेंकता है इसके ऊपर से प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर नहीं रहता तो डिटर्जेंट जो है ना वो यहाँ पे चिपक जाता है,
यहाँ चम्मच वगैरह जो भी कुछ रखना है बड़ा सा जो रहता है हाँ, वो यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे चम्मच डाल सकते हो ठीक है, यहाँ पे ग्लासेस रख सकते हो ठीक है, यहाँ पे भी आप डिशेस रख सकते हो, यहाँ पे ग्लासेस रख सकते हो, यहाँ पे छोटे बाउल कटोरी वगैरह जो भी कुछ है वो रख सकते हो ठीक है। प्लास्टिक माइक्रोसेफ यूज करना है, फ्रिज वगैरह ऑन ही रखना है 24 आवर्स अगर हमारा है तो ठीक है, अपना डिटर्जेंट वगैरह डाल देना ठीक है, ऑन करोगे ठीक है। तो ये दो साइन दिख रही है आपको, क्या क्या है ये दो साइन दिख रही है हाँ। ये ऊपर जो है ना वो सॉल्ट की है और नीचे जो है वो रिनसेट की है ठीक है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि मैडम आपका सॉल्ट खत्म हो चुका है, आपको सॉल्ट डालना पड़ेगा अंदर ठीक है, और जो नीचे है वो रिनसेट खत्म हो चुका है वो इंडिकेट करता है ठीक है। जैसे आप अंदर फिलअप कर दोगे ना ये दोनों लाइट चली जाएगी, ये फंक्शन है जिस हिसाब से आपके बर्तन उस हिसाब से आपको सेट करना रहेगा। पहला इको 50 है, ये पावर सेविंग मोड रहता है ठीक है, इसमें 2 घंटे 1 मिनट मशीन चलती है, तो ये इको 50 यहाँ पे 50 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा, इसमें ड्राई होके आएगी बर्तन ठीक है। जब भी आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है उसके बाद सडनली डोर ओपन करके बर्तन नहीं निकालना ठीक है, तो उसमें आधा घंटा या 20 मिनट 25 मिनट आपको रहने दो, अंदर स्टीम होती है उससे बर्तन क्लीन हो रहा है ठीक है, सूख रहा है, तो उसके लिए उसको रहने दीजिए। ये सुपर 50/65 है ठीक है, ये क्विक वॉश जैसा एक काम करता है बट इसमें ड्राई हो जाएगा आपका बर्तन ठीक है, 15 मिनट्स का ही रहेगा, डेली में आप ये यूज कर सकते हैं अगर ज्यादा गंदे बर्तन नहीं है। अगर नहीं हो रहा है पहले आप ये ट्राई कर लेना, अगर नहीं रिजल्ट मिल रहा है तो सेकंड ये जो डेली वाला है रेगुलर वॉश के लिए ये रहेगा, इसमें 1 घंटा 34 मिनट लगती है ठीक है, तो ये यूज कर सकते हैं। ये ऑटो डेलिकेट जो है वो क्रॉकरीज के लिए रहेगा, कांच की बर्तन के लिए रहेगा, 30-50 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर सेट, ये ऑटो नॉर्मल है, कांच की क्रॉकरीज के लिए रहेगा बट टेम्परेचर बढ़ाना है उसके लिए, और ये बहुत ज्यादा गंदे बर्तन रहेगा उसके लिए रहेगा, उसमें 3 घंटे के करीब चलेगा मशीन ठीक है। ये प्री वॉश है, अभी समझ लीजिए कि डिनर सेट वगैरह है जो आपने ऊपर रख दिया, गेस्ट आया है आपको सडनली उसको निकालना है, और थोड़ा सा सिर्फ उसमें क्या धूल वगैरह ही रहता है, बर्तन क्लीन रहता है ठीक है, तो अब प्री वॉश तो इसको सिर्फ इसमें ड्राई नहीं होगा, 18 मिनट में सिर्फ वॉश हो जाएगा वो पानी के साथ ठीक है। क्विक वॉश है, ये भी वैसा ही रहेगा बट यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, कम टेम्परेचर में जल्दी बर्तन धुल जाएंगे ठीक है, यहाँ पे भी ड्राई नहीं होगा ठीक है, बाकी सब में ड्राई होता है ठीक है। एडिशनल आपके पास फीचर्स दिए हुए वो सारे स्टार्ट करने से पहले आपको यूज करने हैं ठीक है। जैसे आपको एक्स्ट्रा रिंस करना है, जैसे वॉशिंग मशीन हम लोग एक्स्ट्रा रिंस करते हैं, पानी बढ़ा देते हैं ठीक है, सेम चीज आप इसमें कर सकते हैं, एक्स्ट्रा रिंस हो जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा ड्राई है ठीक है, अगर थोड़े ज्यादा ड्राई करने हैं उसके लिए है, और दोनों चीज एक साथ करनी है तीसरी बार में, दोनों चीज एक साथ हो जाएगी और इसको हटाना है। ये जो चीज है एक्स्ट्रा हाइजेनिक है, करेक्ट, थोड़े ज्यादा गंदे बर्तन है तो आप टेबलेट है अगर यूज करते हो तो इसको ऑन कर लेना है आपको, ये लोड है अगर आपने ऊपर स्टोरेज किया हुआ है तो ऊपर कर दीजिए, नीचे किया हुआ तो नीचे कर दीजिए, दोनों साइड है तो दोनों साइड, लास्ट में सारा सेट करने के बाद आपको स्टार्ट देना है, स्टार्ट दे दो आप ठीक है, उसके बाद अगर घर में छोटी बेबी है वगैरह गेस्ट वगैरह आया हुआ है लग रहा है कि वो मशीन को कुछ दिक्कत कर सकते हैं, मतलब आगे बंद चालू कर रहे हैं, तो ये 2 बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस कर दो, सी एल लिखा हुआ जाएगा चाइल्ड, उसको डीएक्टिवेट करना है तो वापस सेम प्रेस कर दीजिए तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। सो आफ्टर ही टोल्ड मी ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मैंने इसमें धोए अपने बर्तन, सो बेसिकली इसमें बर्तन आपको एक बार ब्रश मारकर थोड़ा सा पानी से निकाल के धोना है, इसमें कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए, अगर आप लगे हुए बर्तन के साथ डिशवॉशर में डाल देंगे ऑल दो आपके बर्तन अच्छे से धुल जाएंगे लेकिन आपके डिशवॉशर से जो ड्रेन होकर निकलता है पानी उसमें अननेसेसरी कचरा फंस जाएगा, सो वाई अननेसेसरी आप अपनी मशीन ख़राब करें, सो बेटर है आप अपने जो बर्तन है उनको बेसिक थोड़ा सा धोकर डालिए। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही ये वाली प्लेट डालने वाली हूँ और ये लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे निकल के आती है। आप इसमें प्लास्टिक डाल सकते हैं, आप इसमें एल्यूमिनियम बर्तन भी डाल सकते हैं, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम थोड़ा काला पड़ जाता है बट इट्स नॉट लाइक दैट, मैंने ऑलरेडी चेक किया है, इसमें छन्नियाँ बहुत अच्छे से निकल के आती हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एंड ये प्लास्टिक माइक्रोसेफ प्लास्टिक भी आप इसमें डाल सकते हैं। सो इसको पूरा सेट करना है, इसको सारे बर्तनों को अपसाइड डाउन आपको रखना है, स्प्रे आर्म आपको एक बार हिला के चेक करना है कि इट इज़ मूविंग, कोई बर्तन उसमें टच नहीं होने चाहिए,
चाहिए क्योंकि ये स्पिन करता है और इसी से हमारे सारे बर्तन धुलते हैं। फाइनली आप अपनी मशीन बंद कीजिए, आप सेटअप कीजिए अपना प्रोग्राम। मैं डालने वाली हूँ सुपर 50 पे, उसके बाद आपने ये चेक करना है और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे मशीन और ये कुछ इस टाइप से आवाज़ करेगी। सो आफ्टर ऑलमोस्ट एक घंटे के बाद ये मेरे कुछ बर्तन धुल के आए हैं। ये प्लेट ये देखिए, ये प्लेट कितनी ज़्यादा क्लीन निकली है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बर्तन आपके धोता है बिकॉज़ ये गर्म पानी से धोता है। 60 डिग्री 50 डिग्री, कैन यू इमेजिन कितना ज़्यादा गर्म पानी होता है। तो इसमें ये जो मिथ है हमारे इंडिया में कि डिशवॉशर में बर्तन अच्छे नहीं धुलते हैं, प्लीज़ गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें गरम गरम पानी से बर्तन धुलते हैं। ऑलराइट, सो इसमें बर्तन बहुत अच्छे धुलते हैं। इसमें सिस्टमेटिकली अगर आप बर्तन रखते हैं आपको लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड सब बेस्ट पार्ट इज़ घर में आपको सब हेल्प कर सकते हैं इसमें। जिसने भी खाना खाया दिल जस्ट वॉश देयर डिशेज और डायरेक्टली वो इसके अंदर डिशवॉशर में सेट कर देते हैं। आप अपने बच्चों को भी अच्छी आदत लगा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपको डायरेक्टली कहाँ अपने बर्तन रखने हैं एंड ऑल दैट। सो फाइनली आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।